आप देखिए जैसे रेखाखंड है, कोई हमें कहे कि 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए और उसे 2:3 में अंतर विभाजित कीजिए, तो इसका विभाजन कैसे करेंगे? हम इसका विभाजन दो तरह से कर सकते हैं। एक तो छोटी क्लास 8 क्लास तक का आता है मेथड, उससे, और एक जो 10th क्लास का मेथड है। मैं दोनों ही बातें करूंगा आपको, दोनों ही तरीके बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में डीपली नॉलेज हो जाए। 8th क्लास तक के स्टैंडर्ड में यदि इसका विभाजन करना होता है तो हम इसके दोनों सिरों पर विपरीत दिशाओं में समान मान के कोण बनाते हुए दो रेखाएं खींचते हैं। इसके दोनों सिरों पर विपरीत दिशाओं में, इससे मैंने सपोज इधर 60 डिग्री कोण बनाते हुए रेखा खींची है तो नीचे भी 60 का बनाते ही हुए ही रेखा खींची, तो दोनों और विपरीत दिशाओं में समान कोण बनाते हुए हम रेखाएं खींचते, ठीक है? ये कब? जब हम 8th क्लास तक के स्टैंडर्ड की बात करते हैं तब इसका यूज होता है। अब आप क्या करेंगे, टोटल कितने भाग हैं? 2 इधर और 3 इधर, टोटल 5 भाग हैं। तो आप प्रकार को थोड़ा सा खोलेंगे और इसमें 5 बार 4, 1, 2, 3, 4 और 5, इधर भी लगाएंगे समान उतना, 1, 2, 3, 4 और 5, और इस संख्या चाप को मिला देंगे, ऐसे मिला दिया ऐसे, ओके। तो ये तो इसके 5 भाग हो गए, 5 भाग समान है, समान 5 भागों में आपने इसको बांट दिया। पर आपको क्या चाहिए, कोई फर्स्ट एरा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ? आपको चाहिए सिर्फ 2:3, तो पहले 2 रहने चाहिए और बाद में कितने रहने चाहिए? 3 रहने चाहिए। तो आप लास्ट वालों को तो मिलाएंगे, ये तो जरूरी कंपल्सरी है, इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला, ये तो मिला नहीं, समझ में आ गई? और आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो पहले 2 रहने चाहिए, इधर 1, 2, 3, बाद में रहेंगे 3, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इधर ये 2 है तो उधर 3 है, 2:3 इसमें बांटना है। तो आप दूसरे जो चाप है उसको इससे मिला दिए, तब आपके पास इसको मैं पी नाम दे देता हूँ। तो ए बी का एक टुकड़ा ए पी हो गया, दूसरा टुकड़ा पी बी हो गया, इनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी अनुपात में इसको हम बांट सकते हैं। ये तो 8th स्टैंडर्ड तक की बात हुई। यदि हम 10th की डायरेक्ट बात करते हैं तो क्या हुआ, उसको कैसे करेंगे, आ जाइए। वो ही कोई भी रेखाखंड हमें दिया गया है, जितनी लंबाई का दिया गया है उतनी लंबाई का हम रेखाखंड खींच लेंगे और उसको नाम जो भी अपनी इच्छा हो दे सकते हैं। यदि बुक में पहले से दिया हुआ तो वो दे देना, वरना आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नाम दे दें। यहाँ पर आप कोई भी न्यून कोण बनाते हुए ऊपर की ओर रेखा खींची, इसको नाम बी दिया मैंने, यहाँ पर भी वही काम करना है कि आप प्रकार को थोड़ा खोले और समान लंबाई के, समान माप के यहाँ 5 चाप लगाने, 1, 2, 3, 4 और 5, प्रकार कितना भी खोल लो आपकी इच्छा है, पर इच्छा इतनी ज़्यादा भी प्रबल नहीं हो कि अपनी कॉपी में चाप आए नहीं, इच्छा भी सीमित होनी चाहिए। साथ ही साथ इन सब के बीच की दूरी बराबर, यानी हर बार चाप काटते वक्त प्रकार समान मात्रा में खुला होना चाहिए। 2:3 है, टोटल हो गया 5, तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे D1, D2, D3, D4 और D5, और लास्ट वाले को इस बी से मिला देंगे, मिला दिया। अब जितना कोण यहां बन रहा है उस कोण की हम कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी। कोण की कॉपी कैसे करते हैं, सेम हूबहू कोण बिना चंदे के, प्रकार से जितना पहले से बना हो उतना ही उसके समान कोण कैसे बनाते हैं, वो कॉपी करना है। वो बनता कैसे, कॉपी होती कैसे, वो देखिए। आप प्रकार के लोग को यहां जिस कोण की कॉपी कर रहे हैं वहां रख दो, यहां रख दिया, मैंने डार्क किया इसको, अच्छी तरह दिख गया आपको, यहाँ रख दिया प्रकार की नोट, और पेंसिल को आप अपनी इच्छा से खोल लें एक बार, ठीक है, इतनी इच्छा हुई आपको खोल के घुमा दो, यस, घुमा दिया, देखो कहाँ रखा, प्रकार की नोट यहाँ रखी, पेंसिल खोला और इसको घुमा दिया,
उतना ही खुला रहना चित्र का, हिल गया तो वापस इसको मेजर कर ले, माप ले, पर इससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप कहाँ चाहिए, दूसरे नंबर पे चाहिए, तो दूसरे नंबर पे लाकर प्रकार की नोक को रखो और इसको घुमा घुमा दिया, समझ में आ गई। दूसरा याद, पहले दो है तो दूसरे पे लाकर करना है, पहले तीन है तो तीसरे पे करना है, जितना पहले जो अनुपात का मान दिया उस पर आकर उसको घुमाना है। घुमा दिए, हो गया इतना काम। आप प्रकार की नोक को यहाँ रखी और पेंसिल को देखिए कहाँ रखी, यहाँ रखी और पेंसिल को यहाँ तक खोली, यानी इन दोनों के बीच हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसा आता है प्रोटेक्टर से बोलते हैं, जिसके दोनों ओर नुकीले भाग होते हैं, तो उससे कोण मापने का कार्य किया जाता है। एक सीधा यहाँ, एक सीधा यहाँ। पेंसिल वाले को यूज करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, रीजन क्या है, प्रकार को यूज करोगे तो यहाँ पर ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ रखिए प्रकार की नोक को, पेंसिल यहाँ तो खोल लीजिए, यहाँ प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल खोली, तो उतना ही खुला रखिए, उतना ही आर्क लेते हुए हम प्रकार की नोक क्या रखेंगे, पेंसिल को इसके ऊपर चाक काटेंगे और इसको से मिलाते सीधी लाइन खींचते हैं। इसको नाम पी दे दिया, तो यहाँ पर भी दो भाग हो गए, ए पी और पी बी, इनका अनुपात 100% 2:3 भी आएगा। इस प्रकार हम किसी भी रेखाखंड को किसी भी अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग होता तो भी यहाँ पर 2:1:2 होता, सपोज 2:1:2 होता तो भी पॉसिबल था। पहले 2 नंबर पे कॉपी करते उतने कोण की, फिर 3 नंबर पे करते। 3 नंबर क्यों करते, क्योंकि पहले 2 भाग रखने, फिर 1 भाग रखना है, तो 1 भाग यहाँ रहता, फिर 2 भाग रखना। इस तरह से किसी भी रेखाखंड को किसी भी अनुपात में हमें बांटना हो तो हम उसको इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार उसे बांट सकते हैं। ये हुआ स्टूडेंट्स किसी रेखाखंड का अंतर विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। एक रेखाखंड का समद्विभाजन तो हम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें करना आता है, लंब समद्विभाजन तो हमें करना आता है। ये अलग अलग तरह के अनुपातों में बांटना मैंने आपको सीखा है। अब मैं आगे इसके बारे में बात करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास है कि ये मैंने आपको मेन मेन पॉइंट्स एक बार एक्सप्लेन किए, आप कुछ और सवालों की मैं बात करता हूँ। जैसे आप कहे कि किसी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना किस प्रकार से होती है वो देखें। किसी वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त है कोई, इसकी परिधि पर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है P, इसके ऊपर स्पर्श रेखा आपको खींचनी है तो आप केंद्र इसका होगा ही, उस केंद्र को इस बिंदु से मिलाइए और इस केंद्र पर प्रकार, इस केंद्र को इस बिंदु से मिलाइए और इस बिंदु पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना। किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा, फिर घुमाया तो उतना ही खुला रखे, पहला चाक 60 का होता है, दूसरा 120 का होता है, उसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसको से मिलाते हुए सीधा नीचे ले आए, इस प्रकार ये किसी वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। यहाँ कोण 90 का इसलिए बनाया कि आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो जो यहाँ पर स्पर्श रेखा बनेगी उसमें और इस त्रिज्या के बीच में कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया। आगे मैं लेता हूँ सवाल कि व्यास के दोनों सिरों पे यदि आपको स्पर्श रेखा खींचनी होती तो जैसे मैंने यहाँ त्रिज्या खींची है वैसे व्यास खींच लेता, इधर बिंदु पी आया, इधर क्यू आता और इधर भी हम क्या करते, एक 90 डिग्री का कोण बनाते और लाइन खींच देते, ये हो जाती व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास ऐसा सवाल आता है कि एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं की रचना इस प्रकार से कीजिए कि स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण 70 डिग्री है। तो पहले रफ डायग्राम से आप एक्सप्लेन करता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। एक वृत्त पर बाह्य, हमेशा रफ डायग्राम बनाना चाहिए ताकि आपको आइडिया आ जाए कि होना क्या है, कैसे करना है इसे। तो ये बाह्य बिंदु P हो गया, P और PB स्पर्श रेखाएं होगी, ये केंद्र है वो, इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हमें 70 डिग्री गिवन है और हमें रचना करनी है।
तो ये कोण डायरेक्टली हम बना ही नहीं सकते। हम केंद्र पे कोण तो बना सकते हैं, ये वाला कोण तो बना सकते हैं, पर ये कोण बना नहीं सकते। तो ये कोण कितने का होगा? ये होगा 110 डिग्री, क्योंकि ये भी समकोण होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी समकोण होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो 90 90 180, चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 होता है, तो ये दोनों मिलकर 180 है, तो ये दोनों मिलकर भी 180 होने चाहिए। ये 70 गिवन है, तो ये 110 हो गया, यानी 110 हो गया। तो ये कोण हम बना सकते हैं, पर ये नहीं बना सकते। तो हम पहले जितनी त्रिज्या दी जाए, मान लो 4 सेमी 5 सेमी जो भी त्रिज्या दी गई है, उतनी त्रिज्या का हम वृत्त बनाएंगे, ठीक है? जितनी हमें त्रिज्या दी जाती है उतनी त्रिज्या का हम क्या बनाएंगे? वृत्त बनाएंगे। और फिर उसमें कहीं पर भी जहां आपकी इच्छा हो, एक मैं त्रिज्या खींच देता हूं, वो एक खींच दी मैंने। फिर यहां चंदे से 110 का कोण बनाते हुए दूसरी त्रिज्या खींचूंगा। चंदे से बनानी है, क्योंकि 110 का जो कोण है वो प्रकार से तो बनता नहीं। तो दो त्रिज्या होगी 110 डिग्री का कोण बनाते हुए, ओए और ओबी। आप त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इन दोनों सिरों पर आप क्या करेंगे? 90 डिग्री कोण बनाते हुए दो रेखा खींचेंगे इस तरह से, इधर भी बनाएंगे इस तरह से, या कर जहां मिलती है वहां अपने आप ही 70 डिग्री का कोण बन जाता है। ध्यान दें, ये कोण बनाना पॉसिबल नहीं है, पहले ये बनेगा। यदि ये ऑलरेडी गिवन है 60 डिग्री 100 डिग्री 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, तो वो बात दो त्रिज्याएं इस प्रकार से खींचे कि जो दिया हुआ हुआ कोण इसके बीच में बन जाए। और फिर दोनों त्रिज्याओं के सिरों के ऊपर आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दो रेखाएं खींचेंगे। ये रेखाएं जाकर जहां मिलेगी वहां पर स्वतः ही यहां वाला कोण बन जाएगा। तो ये दे रेखा तो अच्छी बात है, नहीं दे रेखा तो यहां वाले कोण को आप इसमें से घटाएंगे, यानी 180 में से घटाएंगे। 180 में से 70 गया तो 110 बच गया, मान लो 60 होता तो यहाँ 120 बचता, या मान लो 80 होता तो यहाँ 100 बचता। तो केंद्र वाले कोण की हम रचना करेंगे, रचना करके दो त्रिज्याएं खींचेंगे और दोनों त्रिज्याओं पर 90 90 डिग्री कोण बनाएंगे और आगे हम इस प्रकार बनाएंगे। ये हो गया कि जब आपको दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दे, या दोनों त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र केंद्रित कोण दे, तब आप स्पर्श रेखा की रचना इस प्रकार से करोगे, ये मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स, आज तारीख हो गया 9 और 11 से आपका टेस्ट स्टार्ट। हालांकि इसके बारे में आपको सूचना अच्छी तरह दे दी थी, आज फिर से 5 मिनट लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि अब टेस्ट है तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से ध्यान हो। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, 5 मिनट लूंगा आपकी मैं, कि आपका टाइम टेबल आपको मिल गया है अच्छी तरह से, और 8 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। जस्ट आपका टेस्ट जब स्टार्ट होगा, जिस टाइम जिस पीरियड में जो आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपका जब टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी आईडी से अपना ऐप खोलेंगे और आप असाइनमेंट में जाएंगे। इसमें जाएंगे आप असाइनमेंट में जाएंगे। असाइनमेंट में आपको पेपर की फोटो मिलेगी, पेपर असाइनमेंट में मिलेगा, ये ध्यान रखें। वीडियो में जाकर आप नहीं देखें, लेक्चर में जाकर नहीं देखें, असाइनमेंट में आपको आपका पेपर मिलेगा। उस पेपर को आप खोलें तुरंत फुर्ती के साथ, उसमें जितने भी क्वेश्चन उनके आंसर, एक आंसर शीट कॉपी के पन्ने पर पेज निकाल लें, दो या जो पहले से निकाल के बैठे उन पर आपको उसके आंसर फटाफट से लिखने हैं, और लिख कर उनकी साफ साफ इमेज खींचकर, फोटो खींचकर और उसमें वापस सबमिट कर लें। आप टाइम बचा कर रखें, क्योंकि सबमिट करने में टाइम लग सकता है, नेट कम चल रहा हो तो धीरे ही सबमिट होगा। आपको 1 घंटा पेपर का काम करने यानी टेस्ट देने के लिए मिलेगा, और 10 मिनट्स आपको सबमिट करने के लिए मिलेगी। बाय द वे, यदि नेट की स्पीड स्लो है तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको सबमिट करने में, तो आप पहले से अपने टाइम से बचा कर रखें, स्पीड रखें काम करने की, और फिर टाइम से पहले ही आप सबमिट करके चेक कर लें कि सबमिट हुआ या नहीं हुआ। इस दौरान आपको किसी को भी किसी तरह की कोई भी समस्या होती है, कहीं पर भी आपको लगता है कि हमारा पेपर नहीं दिख रहा हमें, या और कोई दिक्कत है सबमिट नहीं हो रहा, सबमिट यदि टाइम निकल गया तो नहीं होगा, तब तो आप कॉल करना मत कि हमें दिक्कत हो रही सबमिट नहीं हो रहा।
एग्जैक्टली जो टाइम टेबल आपको दिया गया उसी टाइम आपको पेपर देखिएगा, और जो उससे जस्ट 1 घंटा और 10 मिनट यानी 70 मिनट्स के बाद वो स्वतः ही वहाँ से हट जाएगा, न तो आपको दिखेगा और न आपका सबमिशन लेगा, उसके बाद आप करोगे तो नहीं लेगा। इसलिए आप अपना काम कर लें अच्छी बात है, पर उसका सबमिशन करना बहुत ज़रूरी है। काम किया पर सबमिट नहीं हुआ, वापस अपलोड नहीं हो कर सके आप, हमारे तक आपकी कॉपी पहुंची नहीं, तो आपके उस काम का कोई मीनिंग नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए सीरियसली इसको सुने, ढंग से देखें, वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, आपके असाइनमेंट में आपको पेपर मिलेगा, जिस विषय का है उस विषय का असाइनमेंट आप खोलें तो उसमें आपको पेपर मिलेगा। पेपर में जो क्वेश्चन होंगे 5 है 6 है जो भी क्वेश्चन है, वेटेज 10 रहेगा, 1 घंटे का समय रहेगा, तुरंत आप पहले से ही अपनी कॉपी पेन पेंसिल साथ में रखे बैठे, फटाफट से उसके आंसर लिखें और आंसर की अच्छी तरह से साफ पिक खींच कर फोटो खींच कर सबमिट कर दें। इस दौरान कोई दिक्कत हो तो आपको मैंने बताया था कि पहले भी, आज फिर से बता रहा हूँ, ये मेरे नंबर हैं 9057906699। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। केवल टेस्ट के दिन ही नहीं, बाकी दिन भी शेष दिनों में भी किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का, जो बच्चा 9th 10th 11th और 12th के सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जिसको भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, चल नहीं रहा है, ऐप नहीं चल रहा, वीडियो नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा, किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप इस पर कॉल करके आप मेरे को उस समस्या का समाधान 100% पूछ सकते हैं, आपको 100% समाधान मिलेगा। स्टूडेंट्स एक बात और मैं कहना आपको चाहता हूँ कि किसी भी तरह की आप लापरवाही नहीं करें, किसी भी तरह के आप गलत तरीके से काम करने की कोशिश भी नहीं करें, काम नीट एंड क्लीन करें, अपनी मेहनत से करें, खुद करें, स्वयं करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। काम आपका जितना अच्छा होगा, हम आपकी कॉपी से ही आपने क्या लिखा उससे जजमेंट हो सकता है कि बच्चे ने कितना काम कितनी मेहनत से किया है, और आप उस काम के लिए अपना पहले से दिमाग सेट कर लें कि मुझे इस तरह से पढ़ाई करनी है, इस तरह से काम करना है, और आपको सिलेबस सब सब्जेक्ट में मिल गया होगा, नहीं किसी को मिला है तो आप उसके बारे में आप सूचना करें। हालांकि अभी तो बहुत लेट हो गई, आप 2-1 दिन बाद तो आपका टेस्ट है, बट फिर भी किसी को दिक्कत है तो अभी भी कुछ समय है, तो उसमें आप सूचना करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। होमवर्क करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, तैयारी करिए और टेस्ट में अच्छे अंक हासिल कीजिए। टेस्ट को बहुत ही उत्साह और जोश के साथ देना है, सब बच्चों को देना है, एक भी बच्चा इसमें अपसेट नहीं रहे, क्योंकि ये टेस्ट, इसके टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस टेस्ट में अपसेट रहने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, रहना भी मत, क्योंकि ये दोबारा नहीं होगा, फिर से नहीं होगा। आप जब फिर से नेक्स्ट में टेस्ट दूंगा तो उसमें हो जाएगा इसकी भरपाई, ऐसा कुछ नहीं हो। इसलिए आप मेहनत करें, ढंग से पढ़ाई करें, तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।